नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड एक इन्वर्टर है 850 वाट का। इसमें दिक्कत ये था, मैं इसको रिपेयर करके रखा हूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो 850 वाट का है इन्वर्टर और बोर्ड देख सकते हो फ्रेंड, ये बोर्ड है 850 वाट का, क्राउनटन कंपनी का है। और इसमें प्रॉब्लम था, ये मेन जो हमारा एसी लाइन है, सॉकेट है, इसमें 220 वोल्ट आ रहा था यहाँ पे इन्वर्टर ऑन होने के बाद, चार्ज भी नहीं हो रहा था और ओवरलोड दिखा रहा था, बंद हो रहा था, चालू हो रहा था, ऐसा हो रहा था। तो एक टेक्नीशियन देखा है, पूरा वॉल जो ट्रांजिस्टर वगैरह है पूरा चेंज किया है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसका पूरा मैं दोस्तों बताऊंगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो फॉल्ट किस में था, एक डायोड था 4007 जो शॉर्ट था, क्योंकि वोल्ट यहाँ पे माइनस वोल्ट आता है, यहाँ पे प्लस वोल्ट आता है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड, तो ये जो ट्रांजिस्टर है न्यू लगाया, क्योंकि आगे शॉर्ट था और देखा नहीं है, क्योंकि न्यू लगाने के बाद फिर से ख़राब कर दिया है ये ट्रांजिस्टर। तो मैं पहले रिले कट नहीं हो रहा था, तो मैं चेक किया कि रिले का बोल्ट कहाँ से आ रहा है, तो देखा कि ये डायोड ख़राब है। उसके बाद इसको, इस ट्रैक को जो माइनस वोल्ट यहाँ से जाता है, प्लस वोल्ट तो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, क्योंकि माइनस वोल्ट नहीं रहता, माइनस वोल्ट ट्रांजिस्टर से जाता है, तभी जाके रिले कट होता है। तो देखा ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट था, तो इसको चेंज किया, ये चालू हो गया। और दिक्कत कैसे आ रहा था मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ये जो हमारा इन्वर्टर का एक साइड में तीन वायर रहता है, इसमें आउटपुट भी निकलता है और बैटरी को जो मेन एसी का इनपुट भी जाता है। 200 वोल्ट में आउटपुट निकल रहा है जिस तार से, उसी तार से फिर घर का मेन 220 वोल्ट जाएगा, तभी जाके बैटरी को चार्ज करता है। मतलब एक बार आउटपुट निकलता है, बिजली अगर नहीं रहता है इनपुट में, इनपुट सॉकेट से अगर बिजली नहीं गया तो इसमें आउटपुट निकलेगा ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट। और एक तार में, इसमें देख सकते हो तीन वायर है, एक ब्लैक है, एक वाइट है, एक ग्रीन है। तो वाइट वाला में 110 वोल्ट आता है, क्योंकि ये 110 वोल्ट देने का कारण भी दोस्तों मैं बताऊंगा। अगर मान के चलो हमारा इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट या 150 वोल्ट है, तभी वाइट वाला बीच वाला से काम करेगा यहाँ पे, ये वाला वायर ग्रीन वाला, इसमें 110 वोल्ट, बीच वाला 220 वोल्ट। इसमें अगर 110 वोल्ट में अगर यहाँ से आउट होता है, जब इन्वर्टर ऑन होता है, अगर मान के चलो एसी लगा दिया, तो इसमें इनपुट चले जाएगा, इसमें रिले के थ्रू, रिले ऑन ऑफ होगा जो भी हो, इसमें इनपुट हो जाके फिर बैटरी को चार्ज करेगा ये दो वायर से, यहाँ से। तो हमारा रिले का काम वही रहता है, अगर कट नहीं होता है तो काम नहीं करेगा बराबर, क्योंकि मेन एसी जा रहा है, वहाँ से बंद नहीं किया तो वही इन्वर्टर का लाइन फिर वापस आएगा। तो 220 वोल्ट तो हो गया बराबर, अगर इनपुट 220 वोल्ट रहा तो रेड वायर से ही उसका काम 12 वोल्ट या फिर 14 वोल्ट बना देगा बैटरी को चार्ज करने के लिए। अगर नहीं बनाता है, मान के चलिए इनपुट वोल्ट 150 वोल्ट है, तो ये वाइट वाला से लेगा 110 वोल्ट से, ये पूरा बराबर 14 वोल्ट प्रेजेंट करेगा, ये आउट करेगा, 150 वोल्ट होगा घर का बिजली, तो ये 14-15 वोल्ट आउट करेगा। मान के चलिए ये अगर 200 वोल्ट अगर लो रहा, 200 वोल्ट से इनपुट गया वायर से, यहाँ से रेड वायर से इनपुट गया 200 वोल्ट, 150 वोल्ट, तो ये यहाँ पे
14 वोल्ट प्रेजेंट नहीं करेगा, ये कम करेगा, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट कि 9 वोल्ट ऐसा करेगा। इस कारण से ये 3 रिले लगा रहता है जो वोल्टेज को जब देखता है कि इनपुट वोल्टेज कम है तो 110 वोल्ट का वायर से ये इनपुट घुसाएगा और यहाँ से आउटपुट 15 वोल्ट निकालेगा। ये हो गया रिले का काम, एक रिले का। और ये रिले क्या करता है, इन्वर्टर को चालू करता है ये। अब इन्वर्टर को जब ये नीचे टच होगा, ये वाला स्विच बटन यहाँ पे नीचे टच होगा तो इन्वर्टर चालू होगा। अगर छोड़ दिया, ये ऊपर टच हो रहा है तो मान के चलिए इनपुट है, यहाँ पे इनपुट है, तभी ये छोड़ेगा, तभी ये छोड़ेगा कि इनपुट है, तब इसको चार्ज करने के लिए इसको ऑफ कर देगा इन्वर्टर को। और इसका काम होता है, ये देख सकते हो दोस्तों, ये यहाँ पे 220 वोल्ट ये एक रिले है, यहाँ एक रिले, इधर एक रिले, इधर एक रिले। तो देखो दोस्तों, इसमें इन्वर्टर का भी ये रिले का एक टांग में टच है सेंस करने के लिए। इधर ये डबल साइड पीसीबी है इसलिए समझ में नहीं आएगा। और ये क्या करता है, ये जब बिजली इनपुट में नहीं रहेगा तो ये कट करके रखेगा, यहाँ पे छोड़ देगा, यहाँ पे लाइन छोड़ के रखेगा। अगर बिजली दे दिया तो इसको कट करके यहाँ पे टच करेगा, ये यहाँ से 200 वोल्ट आउट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर में चला जाएगा। अब जब यहाँ पे इनपुट नहीं आएगा तो ये रिले यहाँ से जा रहा था, अब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ से बिजली को कट कर देगा, यहाँ इसमें नहीं आने देगा, ये इधर हो जाएगा। ऐसे सेम काम करता है इन्वर्टर, 3 रिले लगा रहता है, किसी में एक रहता है, किसी 2 रहता है। ठीक है दोस्तों, तो समझने के लिए तो आराम से समझना पड़ेगा, वीडियो में नहीं समझ में आएगा ज़्यादा, फिर भी जितना बताया हूँ, अगर सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और छोटा छोटा कर ऐसे समझ में नहीं आएगा तुरंत वीडियो में, क्योंकि अगर कोई कंडीशन, अगर बिजली के मतलब ऐसे इनपुट में आ रहा है वायर में, तो हमारा रिले देखना पड़ता है, रिले कहाँ से कट हो रहा है, कट नहीं हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा कि कौन सा लेग में ये टच हो रहा है। ठीक है, अगर मान के चलो इधर से कट नहीं हो रहा है तो यहाँ से टच होके फिर इन्वर्टर ऑन करोगे तो यहाँ से फिर वायर में चला जाएगा, ये वायर का ये है, ये वाला, ये वाला ब्लैक, ये वाला हमारा जो ब्लू वायर, और ये वाला आउटपुट वायर जो इन्वर्टर का आउट है, ये वाला हमारा जो फ्यूज का होता है, तो वो सेंस करता है कि रेजिस्टेंस के थ्रू मेन आईसी में जाता है। इन्वर्टर का काम बहुत ही पेचीदा है, आराम से समझना पड़ेगा कि ये कितना वोल्ट में काम करता है। अब ये आईसी, ये वाला आईसी कौन सा है, ये रिले को कट करने के लिए होता है, जो LM324 है, ये तो मेरा ये देख सकते हो, ये वाला प्रोसेसर है कंट्रोल करने। इसको एक बार चालू करके दिखा देता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ और सन ग्राउंड को लगा देता हूँ। ये चालू हो गया है और मैं अभी दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हो यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। और रिले हमारा देखो, एक दोनों रिले कट होके बैठा है। अब इसमें बिजली लगाऊंगा तो इस पार वाला छोड़ेगा, इस पार वाला खाली, और इन्वर्टर ऑफ कर देगा, चार्जिंग मोड में ला देगा ये।
आवाज़ सुनने को आएगा, ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। ये देख सकते हो दोस्तों, ये चार्जिंग मोड में आ गया अभी। ये देख सकते क्या। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ चैनल पे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आप लोगों को। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।